आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स की जो लॉन्च होंगे जनवरी 2024 में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे आता है Vivo S18 Pro। इस मोबाइल में आता है Android V14। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 Hz का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek का Dimensity 9200+। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+50+ 12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 80 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 39,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 28 जनवरी 2024। हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आता है Redmi Note 13 Pro Plus। इस मोबाइल में आता है Android V14। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.67 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 Hz का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा MediaTek Dimensity 7200 Ultra। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 200+60+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बड़ी बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 120 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 24,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 4 जनवरी 2024। हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है Honor 100 Pro। इस मोबाइल में आता है Android V14। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.78 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 Hz का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon का 8Gen2 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है 50+12+32 मेगापिक्सल का, और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 50+2 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 5000 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 100 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 36,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 जनवरी 2024। हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे आता है Vivo Y78T। इस मोबाइल में आता है Android V14। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.64 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 Hz का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon का 6Gen1 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4600 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 44 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 31 जनवरी 2024। हमारी लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है Moto G44। इस मोबाइल में आता है Android V14। चलिए आते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। 6.28 इंच का फुल HD PoLED डिस्प्ले है जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120 Hz का रिफ्रेश रेट, और ये सभी को पावर देगा Snapdragon का 695 प्रोसेसर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 64+13 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। ये मोबाइल आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बड़े SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसमें 4020 की बैटरी दी गई है जिसको चार्ज करेगा 68 वाट का फास्ट चार्जर। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,999। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 29 जनवरी 2024। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।